हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बैक वर्कआउट जो कि क्रिस बम्स्टेड का है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट वर्कआउट बताएंगे क्रिस बम्स्टेड का, कंप्लीट बैक वर्कआउट। इसमें हम सारी एक्सरसाइज कवर करेंगे जो क्रिस बम्स्टेड अपने बैक ट्रेन करने के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम आपको टोटल 7 एक्सरसाइज बताएंगे जो क्रिस बम्स्टेड करते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी एक्सरसाइज है, कोई कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज नहीं है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। इस एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद आपकी बैक भी बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, डेडलिफ्ट। आपको पहली एक्सरसाइज डेडलिफ्ट परफॉर्म करना है। इसके लिए आपको एक बारबेल लेना है और बाजू वेट लगाकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये कंपाउंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की मदद से आपके एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट मसल्स ट्रेन होते हैं। ये एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म करना चाहिए ताकि बैक में इंजरी ना हो। इसलिए आप वीडियो कंप्लीट देखिए या आप कोच की मदद लीजिए या ट्रेनर किसी की हेल्प लेकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। इसके आपको 4 सेट्स करने हैं और रेप्स आपसे जितने हो सके उतने कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2, बेंट ओवर बारबेल रो। इसमें आप क्या करना होगा, एक बारबेल लेना है और उसके आजू बाजू वेट लगाकर रख देना है। फिर आपको थोड़ा सामने की तरफ झुकना है। उसके बाद आपको उस रॉड को उठाकर अपने पेट की तरफ खींचना है। जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम उसी तरह परफॉर्म करना है। इसमें आपको ज़्यादा सामने की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं देना है। एक 45 डिग्री के एंगल पर आपको झुक कर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए वीडियो कम्प्लीट देखिए। एक्सरसाइज नंबर 3, वाइड ग्रिप पुल डाउन। इसमें क्या करना होगा, लैट्स की मशीन आती है उस पर आपको बड़ रॉड लगाना है और उसकी ग्रिप वाइड पकड़ना है, मतलब आपको दूर पकड़ना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है। फिर उसके बाद आपको उसे पुल करना है, इसे वाइड ग्रिप पुल डाउन कहते हैं। इसे वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम उसी तरह परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। इसमें आप क्या करना होगा, केबल की जो मशीन आती है उसे आपको स्ट्रेट रॉड लगा देना है। फिर आपको स्ट्रेट हाथ रखकर उसे नीचे करना है। फिर ऊपर इससे आपके बैक मसल्स ट्रेन होते हैं, इससे आपके बैक मसल्स टारगेट होते हैं जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम उसी तरह परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, वन आर्म डंबल रो। इसमें आप क्या करना होगा, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको पहले डंबल लेना होगा और आपको बेंच पर या किसी चीज़ पर आपको सपोर्ट रखना है। फिर उसके बाद डंबल को नीचे की तरफ करना है, फिर ऊपर जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम, इसे वन आर्म डंबल रो कहते हैं। इससे आपका लैग परफॉर्म होता है, ट्रेन होता है। इस एक्सरसाइज को सिंगल हैंड से परफॉर्म करना चाहिए, पहले एक हाथ से करने के बाद फिर दूसरे हाथ से परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज नंबर 6, हैमर रो। हैमर रो परफॉर्म करने के लिए आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक मशीन आती है, इस पर आपको बैठ जाना है पहले। उसके बाद उसके सामने ग्रिप आती है जो जिसे पकड़कर आपको अपनी तरफ पुल करना है। इससे आपकी मेनली बैक ट्रेन होती है, बैक मसल्स ट्रेन होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है हाइपर एक्सटेंशन। इस ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए भी एक मशीन आती है। उसमें आप क्या करना होगा, आपको पहले तैयार जाना है और आपके पैर को लॉक कर लेना है। वहाँ पर आता है सिस्टम, वैसा वो आपको लॉक कर लेना है। फिर आपको सामने की तरफ नीचे की तरफ झुकना है, फिर ऊपर उठना है जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम उसी तरह परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज की मदद से आपका मेनली लोअर बैक ट्रेन होता है, लोअर बैक के मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट्स करने हैं और रेप सबसे जितने हो सके उतनी कीजिए। सो
सो यहाँ पर हमारा बैक वर्कआउट फिनिश होता है। इस वर्कआउट में टोटल 7 एक्सरसाइज है जो कि हम सेट करते हैं बैक को ट्रेन करने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ सके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारी कोशिश यही थी कि आपको एक्सरसाइजेस सिंपल तरीके से समझा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जाते जाते प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।